ममता बनर्जी के घर के बाहर सीधे चलेंगे क्योंकि वहां पर जश्न का माहौल है। पूजा जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ लाइव है। पूजा तस्वीरें दिखाइए, जश्न का माहौल, 201 सीटें। बिल्कुल, अभी तो खैर रुझान है, रिजल्ट्स पूरे अनाउंस नहीं हुए, लेकिन मुख्यमंत्री के घर के बाहर आप देखिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है और स्थानीय लोग हैं यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये लोग अपने आप को यहाँ पे गुलाल लगा रहे हैं। दादा अभी तो रुझान है, लेकिन आप लोग क्या कॉन्फिडेंट है कि तृणमूल जीत जाएगी? अवश्य जीत जाएगी, कॉन्फिडेंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हालांकि चुनाव आयोग ने सारी विक्ट्री रैलीज को बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी यहां पर जश्न मनाते हुए ये रुझान सामने आए। जिस तरीके से कि तृणमूल कांग्रेस लीड कर रही है, बीजेपी अभी भी ट्रेल कर रही है, तृणमूल कांग्रेस के झंडों के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए, वो भी हरे रंग का, क्योंकि ये पार्टी का कलर है और पार्टी का सिंबल में भी ये कलर है। इसलिए कालीघाट की ये तस्वीरें हैं, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर के बाहर लोग जश्न मनाते हुए, और साथ ही खेला हो पे गाना बज रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और इस सड़क के अगर दूसरे पार अगर हम जाते हैं, सिर्फ एक जगह नहीं लेकिन इस पूरे कालीघाट इलाके में अगर हम जाए तो आप देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ भी यहाँ पर फ्लैग्स लगाए गए हैं, गाना बज रहा है खेला होबे। आप देखिए यहाँ पर जो है लाउड स्पीकर पर गाना बजते हुए आप देखिए जो है यहाँ पर किस तरीके से आप भी और गुलाल लगाते हुए यहाँ पे डांस करते हुए लोग जो है यहाँ पर नाचते हुए खेला होबे के साथ। जी पूजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों के लिए समझने वाली बात यह है, और इलेक्शन कमीशन के लिए भी समझने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग ने थोड़े दिन पहले जश्न मनाने पर रोक लगा दी थी कि आज जो भी पार्टी जीतेगी वो जश्न नहीं मनेगा। लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में खुलेआम जश्न मनाया जा रहा है, बिना मास्क के जश्न मनाया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान ज़रूर लेगा, हमारे देश की जो अदालतें हैं वो भी इस बात का संज्ञान ज़रूर लेंगी। कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, और जिन्होंने बीजेपी की पूरी कमान संभाल कर रखी हुई थी पश्चिम बंगाल में चुनाव में, वो इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी तक के जो नतीजे हैं उनका पोस्टमार्टम करने के लिए। कैलाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रुझान अभी तक वैसे नहीं आ रहे जैसा कि आपको अच्छे लगते या आप जैसा दावा कर रहे थे। बीजेपी अगर हम अपनी टैली में देखें तो 89 है और टीएमसी 200 के पार चली गई है, तो कहां कमी रह गई आपसे? लगता है हम इसको निश्चित रूप से इसकी समीक्षा भी करेंगे। हमारी जो अपेक्षा थी उससे परिणाम उतना अनुकूल नहीं, और मुझे लगता है हम लोग खिलाड़ी भावनाओं से लेंगे। हमने तो वैसे आप जानते हैं कि हमने तो गेन ही किया है, हम तो पिछली विधानसभा में 3 पर ही थे और 3 से अगर हम 100 तक पहुँच रहे हैं तो हमने तो गेन किया है, पर हमारे अपेक्षा ज़्यादा की थी क्योंकि हमने मेहनत इतनी की थी कि शायद हम आगे पहुँच जाए, शायद कुछ इमोशनल थे जिससे हम रुक गए और टीएमसी से आगे बढ़ गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने सारा जोर ममता बनर्जी की हार पर लगा दिया? वहां आपको कामयाबी मिल भी रही है, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी को हराने के चक्कर में आपने टीएमसी को खुला छोड़ दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, हमने तो सभी तो बराबर कोशिश की है, पर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे इमोशनल इशू में काम किया है यहाँ पर, कि हमें संभावना जो थी उससे थोड़ा सा परिणाम थोड़ा सा फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको क्या लगा कि ममता बनर्जी ने जो वापस अभी 200 के पार उनकी टैली जा रही है, कौन सी ऐसा टर्निंग पॉइंट आपको लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है जब उन्होंने मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो माइनॉरिटी वोट कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कोई और शब्द इस्तेमाल किया था जब उन्होंने कहा माइनॉरिटी वोटर्स को कि आप इकट्ठे हो जाइए नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, क्या आपको लगता है कि वो माइनॉरिटी वोट का जो कंसोलिडेशन है वो सफलता का टेम्पलेट बना? नहीं, मुझे लगता है कि ममता जी ने सारे विपक्षी दलों को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के बाद शरद पवार जी ने आग्रह किया था, उसके बाद राहुल जी ने कह दिया कि मैं अब चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा। तो कांग्रेस, पीपीएम और जितने भी दल थे सब लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया टीएमसी के सामने,
क्योंकि आप देखेंगे कि 4 राउंड तक हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, 5वें राउंड से एकदम थोड़ा सा वोट का ट्रेंड बदला है और वह शायद पूरा एक तरफ संयुक्त विपक्ष पूरा एक तरफ हो गया बीजेपी को हराने के लिए। 5वें राउंड के बाद हम काफ़ी पिछड़े और उसका कारण यही रहा कि कांग्रेस भी सरेंडर हो गई, टीएमसी भी, सीपीएम भी सरेंडर हो गई, तब टीएमसी के सामने सरेंडर हो गया, अभी बीजेपी को रोक और जी। ये शायद यही कारण मुझे अभी एकदम भी दिखाई दे रहा है जी। कैलाश जी, ये जो आप 5वें राउंड की बात बता रहे हैं, ये वही समय है जब देश में कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो बहुत खतरनाक होनी शुरू हो गई थी, मृत्यु की खबरें चारों तरफ से आ रही थी और जब माहौल बहुत खराब हो गया था। आपको क्या ऐसा लगता है कि उसका भी असर वोटिंग पर पड़ा होगा और वो तस्वीरें जो लोगों ने देखी और जो लगातार लोग देख रहे थे कि दूसरे अपना देश के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है, उससे पश्चिम बंगाल का जो वोटर है वो थोड़ा आपसे दूर हो गया? कैला जी, आवाज आ रही है आपको? कैला जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही जी, बोलिए। कैला जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो 5वें दौर की वोटिंग थी ये वही है जब देश में कोविड की स्थिति खराब होने लगी थी, क्या उसका बुरा असर आपके ऊपर हुआ? मैंने कहा ना कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें ये भी कारण हो सकता है, पर बड़ा कारण मुझे लगता है कि कांग्रेस ने आत्मसमर्पण किया, सीपीएम ने आत्मसमर्पण किया और ये लोग टीएमसी को जिताने में लगे, भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोके इस पे सब लोग लगे, मुझे लगता है कि यही कारण है। इसलिए आप देख रहे हैं आपके बोर्ड पर न सीपीएम दिखाई दे रही, न कांग्रेस दिखाई दे रही और राहुल गांधी ने भी बीच में ही अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया था कि मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा। ये जो साइन है वो इसी प्रकार की, सारा विपक्ष एक होकर भाजपा को रोकने के लिए टीएमसी का उन्होंने समर्थन किया, चाहे सीपीएम हो चाहे कांग्रेस जी। अंग्रेजी में कई बार कहते हैं कि जो सुइसाइड बॉम्बर्स जो होते हैं वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं लेकिन नुकसान बहुत कर देते हैं, तो कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अपने आप को उड़ा लिया, अपने आप को बिल्कुल खत्म कर लिया लेकिन आपको भी खत्म कर दिया? हाँ, हमको रोक दिया, हम खत्म तो नहीं हुए चौधरी जी, हम देखिए 3 से आज 88 पे सामने आपके बोर्ड पर दिख रहा है, 88 पर है, हमने तो बहुत जंप किया है 5 साल में, हमने 3 से 88 पर पहुंच गया, हमारा वोट शेयर बढ़ा है, पर ये बात सही कि हम सरकार तक पहुंचने की जो हमारी कल्पना थी उससे हमको रोक दिया गया जी। मेरा सुबह से मैं आपके बाकी नेताओं से भी मैंने ये सवाल पूछा, अब आपका जो कोर वोटर था या जो आपका कोर कार्यकर्ता था, अब उसको 5 साल और ममता बनर्जी के शासन में रहना पड़ेगा, आप उनकी सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित हैं? क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले से ही धमकी देनी शुरू कर दी थी कि मैं देख लूंगी कि किस किस ने बीजेपी को वोट दिया है। हाँ, मुझे लगता है कि अभी से हिंसा चालू हो गई है, अभी मेरे पास फोन आ गए कि टीएमसी के लोगों ने गुंडागिर्दी प्रारंभ कर दी है, हमारे एकाध तो कार्यालय पर तोड़फोड़ भी कर दी है, तो वो तो सहन करना पड़ेगा। बंगाल में अगर राजनीति करना है, बम, गोली, लाठी, चाकू, तलवार, ये सब बंगाल की राजनीति का हिस्सा बना दिया ममता जी ने और सीपीएम ने, ये दुर्भाग्य की बात है कि हिंसा की राजनीति यहाँ पर है और हम आते तो शायद हिंसा की राजनीति समाप्त हो जाए जी। कैलाश जी, आप तो राष्ट्रीय नेता हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो टेम्पलेट आज देखने को मिला है हमें पश्चिम बंगाल में, जिसकी वजह से बीजेपी को कंटेन कर दिया, रोक दिया, हो सकता है अगले लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष और ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि एक नेशनल पॉलिटिक्स में एक टेम्पलेट क्या हो सकता है आपको रोकने के लिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि यही टेम्पलेट अब बार बार यूज होगा, दोहराया जाएगा आपके खिलाफ राष्ट्रीय राजनीति में? हाँ, वैसे तो पिछली बार भी कोशिश हुई थी इस प्रकार की, पर यहाँ पर चूंकि बंगाल में हमारे पास कोई बहुत पुराना संगठन नहीं, हमारा कोई पुराना जन आधार है नहीं, हमने अभी नई नई पार्टी खड़ी की थी और इसलिए हम इस झटके को खा गए। यदि हमारे पास पुराना जनाधार चढ़ सकता है, इस झटके से भी ओवर चले और इसलिए एकदम नई नई पार्टी, नए नए कार्यकर्ता, नया संगठन, इसलिए मुझे लगता है कि
ये जो कारण रहा जो हमने सॉल्व करके जी, आपको ऐसा लगता है कि कोविड की अगर अच्छी और हैंडलिंग हुई होती तो शायद जो छवि खराब हुई वो बेटर हो सकती थी, चुनाव में भी उसका फायदा हो सकता था? अब देखिए, कोविड कैसी महामारी है कि केंद्र सरकार ने तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए, प्रधानमंत्री के बीच अपना प्रवास रोका और जो जो भी करना था केंद्र सरकार ने किया, राज्य सरकारों ने भी जितनी उनकी क्षमता थी उतना किया है। पर आप देखिए, टॉप 10 प्रदेश थे, 8 प्रदेश उसमें हुए जिनके मुख्यमंत्री ने वैक्सीन का विरोध किया। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जिस तरह में नहीं करना चाहिए, पर अब राजनीति नहीं होना चाहिए, इसको देश की अच्छी विविधता मानकर सबको एक होकर सबसे से जनता मिलाकर काम करना चाहिए, क्योंकि इसको जीतना बंगाल का चुनाव तो हार गए जीत गए कोई बात नहीं, जीतना बहुत जरूरी है और उसमें सब लोगों को राजनीति नहीं करते, हाथ से हाथ मिलाकर कोविड की लड़ाई जीतना चाहिए, ऐसा मेरा मानना जी। राहुल गांधी ने जिस तरह से बीच में ये कह दिया कि अब वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, अपनी रैली उन्होंने कैंसिल कर दी, उसके बाद आज जब ये चुनाव का कवरेज चल रहा है न्यूज़ चैनल्स पर, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आने से मना कर दिया कि नहीं, हम तो अब ये चुनाव के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है, हम तो सिर्फ कोविड पर बात करना चाहते हैं, तो एक तरीके की एक पोजिशनिंग वो लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं इस पर? निश्चित रूप से, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब राजनीति नहीं करना चाहिए इस पर, एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर एक दूसरे का सहयोग करकर, क्योंकि इसमें लोगों की जान जा रही है और इसलिए लोगों की जान जा रही है, ऐसे समय पर राजनीति नहीं करते हुए हम केंद्र सरकार का कैसे सहयोग कर सकते हैं, राज्य सरकार का कैसे सहयोग कर सकते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे इस कोविड के साथ में खड़े होकर सरकार का काम कर सकते हैं, तो इसके ऊपर विचार करना चाहिए। कम से कम अब कोविड के महामारी में राजनीति नहीं हो, ये मैं जरूर अपेक्षा करता हूँ। कैलाश जी, एक सवाल, मैं अमन बोल रहा हूँ यहाँ से, एक सवाल आपसे ये कि बाहरी कार्ड भी काम कर गया ना, यूपी बिहार के गुंडे आ रहे हैं यहाँ पर, कोरोना फैला रहे हैं, आपको भी बहुत कुछ कहा गया, मध्य प्रदेश से कोई गुंडा, सब कुछ कहा गया, बाहरी बताया और साबित भी कर दिया, बाहरी कार्ड काम कर गया? अब पता नहीं कौन सा काम किया है, पर हाँ कुछ इमोशनल कार्ड जरूर चला है, बंगाल की बेटी जो बाहरी हो सकता है ये भी चला हो, ये अभी हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और मैं अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा होगा, पर हो गया तो थोड़ा सेटल होने के बाद हम लोग करेंगे स्पेशल। मतलब लग रहा आपको चोट पर वोट पड़ा है, आखिरी सवाल। आपको लग रहा है चोट पर वोट पड़ा है, मतलब इमोशनल सिंपथी वोट, चोट पर वोट पड़ा है मतलब? हाँ हो सकता है चोट पर भी वोट पड़ा, मेरी सिंपथी भी हो सकती है। और गोत्र पर भी? जी गोत्र पर भी पड़ा है, गोत्र पर भी, क्योंकि आपका 70% इंटैक्ट नहीं रहा जो आप दावा कर रहे थे, काउंटर पोलराइजेशन नहीं हुआ ना वहां, 30% इंटैक्ट रहा, लेकिन जिस पर आप बैंक कर रहे थे वो तो इंटैक्ट नहीं रहा, गोत्र पर भी, चोट पर भी और गोत्र पर भी वोट पड़ गया, हो सकता है ये भी, क्योंकि अब इसका थोड़ा सा समीक्षा करेंगे जी, इस पूरे चुनाव के परिणाम पर एक पूरी समीक्षा करें जी। आखिरी सवाल कैलाश जी आपसे ये है कि प्रशांत किशोर पहले से ही ये कह रहे थे कि बीजेपी 100 के ऊपर नहीं जाएगी, 100 से नीचे नीचे ही रहेगी, तो प्रशांत किशोर का जो आकलन था वो आज लग रहा है कि वो सही था, और आपका भी यही आकलन था या आपका आकलन गलत हो गया? हाँ मैंने बताया ना, हमारा आकलन तो अभी के जो दिख रहा है ट्रेंड, उस पे तो हम असफल हुए हैं और हम मानते हैं कि हमने कहीं ना कहीं हमारी चूक हुई होगी हमारी रणनीति में, क्योंकि हार तो हार होती, जीत तो जीत होती, और यदि हारे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमी जी। कैलाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया आपसे बात करने के लिए, और जल्दी जब आपकी बैठक हो जाएगी पोस्टमार्टम वाली तो फिर दोबारा आपसे एक बार बात करेंगे। थैंक यू। तो कैलाश विजयवर्गीय जो कि पूरा कमान संभाले हुए थे बीजेपी की पश्चिम बंगाल में, उनके बारे में अच्छी बात यह है कि वो किसी भी चीज़ को, अमन, किसी भी सवाल को डक नहीं करते हैं और ईमानदारी से मान भी लेते हैं और हर सवाल के लिए वो बहुत ओपन रहते हैं, तो यहाँ पर भी आपने देखा वो मान रहे हैं, हो सकता है कोविड का भी इसमें योगदान रहा हो सकता है ममता बनर्जी ने जो नारा दिया
चोट पर वोट, सब चीजों को वो फैक्टर इन कर रहे हैं कि ये बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अभी तो देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ है। तो बीजेपी अपना इस पर एक बैठक करेगी, विचार करेगी कि क्यों वो 100 से नीचे रह गए। अब तो मुझे इंतज़ार है प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी की फ़ोटो का, जैसा उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ फ़ोटो डाली थी लगभग इसी समय, मुझे याद है जब दिल्ली के चुनाव आ रहे थे जी, नतीजे आ रहे थे तो इस समय तक उनकी फ़ोटो आ गई थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि देखिए अभी शायद वो फ़ोटो या कोई ऐसी चीज़ देखने को मिले। बादल देवनाथ टीएमसी के, एक बार उनका कमेंट ले लेते हैं। उन्होंने सुना होगा कैलाश विजयवर्गीय को, आपने पूरा सुना कैलाश विजयवर्गीय को। बादल जी, एक चिंता बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनकी सुरक्षा की भी है, आपकी प्रचंड जीत के बाद 202, तो उनको चिंता है कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया उनकी सुरक्षा की चिंता हो रही है बीजेपी नेताओं को। मैं अमन जी या सुधीर जी एक बार दोबारा अनुरोध करूंगा, कैलाश विजय को फिर से लेके आ जाए मेरे सामने, वो भागेगा। मैं 4 साल पहले ही बता था, जब बल्ले के जो लोगों को उसका बेटे ने जो पिटा, इसका घर के सामने जो बड़ा मंदिर जो बनाया, और जो वो जो एक लड़की है जिसको जो पेटेंट बन के जबलपुर को जबरदस्त उसको रखा था, एक लड़की को कौन किया था, और ड्रग तस्करी बंगाल में कौन किया था, इनको लेके आएंगे ना, फिर से लेके आएंगे। ममता बनर्जी नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा, और यही गलती किया। सिग्नल उड़ गया। बादल देवनाथ जी दोबारा से अच्छा आगे आ गया। बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए बोलिए, आपका सिग्नल चला गया था, बोलिए सर। कैसे ओ फोन तो कैसे गलती क्या, ममता बनर्जी मोदी जी का बदनाम एक कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह जी ने किया है। देखिए जो वीडियो इन लोगों ने जो कहा, इन लोगों ने कहा कैलाश विजयवर्गीय को कहा, जब ममता बनर्जी पुष्टिकरण, ममता बनर्जी भ्रष्टाचार सबका, जो कोयला तस्करी कहा ले, उन लोगों को पेंडल बनाकर मंच बना के दिलाए पोस्ट कैलाश विजय को, जिसका कोयला तस्करी करने वाला लोग जो है सबको पार्टी में ले लिया। मैं वही कह रहा हूँ हर दिन, जो कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ हर दिन, कह रहा हूँ कोयला डिपार्टमेंट किसका है, तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तुम ईडी को लेकर डरा रहे हो, सीबीआई को लेकर तुम डरा रहे हो, इनकम टैक्स को लेकर तुम डरा रहे हो, हर दिन तुम डराने का जो बात कर रहे हो, क्यों क्यों अच्छा बादल जी, आपसे आपने एक चीज देखी होगी, कैलाश विजयवर्गीय से हमने शायद 20 से 25 सवाल पूछे, उन्होंने कोई भी सवाल डक नहीं किया। मैं अगर आपसे अब एक सवाल पूछूं, आप उसका सीधा जवाब दीजिएगा, आप ये कहेंगे कि चुनाव आयोग ने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया, आपको 203 सीटें, और आप लोग जो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे वो गलत थे। सीधा सवाल, चुनाव आयोग ने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया, अब आप ये कहेंगे, सीधा जवाब दीजिए। अमन जी सीधा जवाब मैं दे रहा हूँ, आप दोनों बहुत सीनियर है, आप दोनों को मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, जो भी हो मैं पहला प्रोग्राम है आप लोगों के साथ। चुनाव आयोग को मैं एक हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ, बिहार की तरफ मत लेके आइए, यहाँ पर जो जीतेगा उसको सर्टिफिकेट आपको देना चाहिए, जो भाजपा हो सकता है, कांग्रेस हो सकता है, सीपीएम हो सकता है, टीएमसी हो सकता है, लेकिन जो साजिश तीन दिन से यहाँ पर चल रहा था वो मैंने तोड़ दिया। राज्यपाल को लेकर सब में मिलके एक साथ शुरू किया था, कैसे पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, झारखंड में वो कोई जीतेगा उसके बाद जाओ, तुम तो जीत गए, जब चाय पी के आओ, टिफिन पी के, टिफिन खा के आओ, तुमको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, लेकिन जब आधा घंटे के बाद आएगा सर्टिफिकेट भाजपा को दे दीजिएगा, दूसरे को दे दीजिएगा, मत कीजिए। मैं आपके चीन उसके माध्यम से फिर मैं चुनाव आयोग को मैं अनुरोध करूंगा, 8 चरण में वोट कराना अमित शाह कैलाश विजयवर्गीय का। बादल जी, अब आप चुनाव आयोग को आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आप क्लीन चिट दे रहे हैं, चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया, हाँ या ना, बस बात खत्म, आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल लेना है मेरे को। चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया ईमानदारी से, बादल जी काम पूरा गलत था, चुनाव आयोग का काम टोटली फेल हो रहा है, और जो लाखों जो सीआरपीएफ जैसे भाया, किसी का कोविड टेस्ट नहीं हुआ, 30,000 के लोग बाहर से, आप किसी का कोविड टेस्ट नहीं हुआ, खुद मोदी जी का कोविड टेस्ट नहीं हुआ, खुद अमित शाह का कोविड, अमित शाह जी का कोरोना हुआ था, जेपी नड्डा का कोरोना हुआ था, कोई रूप नहीं है, आपका जान का भी खतरा हो सकता है, वो भी नहीं देख रहा है, हजारों लोग 30,000 लोग लेके आया यहाँ पर, धर्मशाला में लोग रखा और कह रहा अमित शाह का मीटिंग है 2,000, मोदी जी का मीटिंग है 5,000, ऐसे कोई पॉलिटिक्स होता है, ऐसे पॉलिटिक्स होगा, खुद मोदी जी का बदनाम, कैलाश विजय का अमित शाह। तो आप लोगों की रैली से कोरोना नहीं होता क्या, टीएमसी की रैली कोरोना प्रूफ होती है क्या? नहीं, ममता आपने ठीक कहा,
ममता बनर्जी का हर ब्लॉक में हर शहर में ये लोग एक जिला जिला करके मीटिंग कर रहे थे। ममता बनर्जी ब्लॉक ब्लॉक में मीटिंग किया, आपने ठीक किया। ममता बनर्जी का सभा में जो लोग बहुत सारे 10,000, 20,000, 1,00,000 लोग हुआ था, उसमें भी कोविड में फैल सकता है। लेकिन देश के राजा कौन है, देश के प्रधानमंत्री कौन है, उसको पता ही नहीं था कोविड का गीतों जो आएगा सेकेंड पार्ट जो आएगा उसको पता ही नहीं था। आज काल 4,01,993 3,500 मर गए। हर राज्य में, हर घर में, हर शहर में, हर गली में 115 जिला में चीता जल रहा है। ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना है बादल जी, बस इतना कह दीजिए, अब आप जीत रहे हैं, 202 सीटें अब आपकी हैं। आपने जो चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे बादल जी, वो गलत उठाए थे। चुनाव आयोग ने ईमानदारी से निष्पक्ष चुनाव कराए, अच्छे चुनाव कराए, कह सकते हैं आप ये। चुनाव आयोग ने पहला गलत किया 8 चरण है वोट पे, केरल में 1, असम में 3 चरण, केरल में 1, पुडुचेरी में 1, तमिलनाडु में, अरे बंगाल में 8 चरण में क्यों? बादल जी उसकी वजह तो देखिए ना, ममता बनर्जी पर हमला, जिस राज्य में सीएम सुरक्षित नहीं, कितने लोगों की मौत हुई, कूच बिहार में क्या हुआ, ये तो 8 में हुए, 18 में होते तो भी कम था जो हाल था लॉ एंड ऑर्डर का सर बंगाल में। ये तो 8 बहुत जरूरी थे, 294 सीटें 8 चरण, 234 सीटें 1 चरण, ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी ना सर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, 292 के 292 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। 202 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है रुझानों के हिसाब से, बीजेपी 87 सीटों पर आगे चल रही है। ये बंगाल की बात होगी, असम की बात करें तो बीजेपी सरकार में वापसी कर रही है, यानी कि बीजेपी की सरकार असम में फिर से बनती नजर आ रही है। हालांकि बंगाल को लेकर यह जरूर कहा जा रहा है कि बंगाल में टीएमसी सरकार, लेकिन सीएम की हार क्या होगी ये बड़ी चीज है। असम में 81 सीटों के साथ बीजेपी वापसी करती नजर आ रही है। केरल में एलडीएफ 40 सालों का इतिहास वहां पर बदल रहा है, सत्ता की अदला बदली का इतिहास, लेकिन वापसी हो रही है एआईएडीएमके नहीं, अब डीएमके। एआईएडीएमके अभी सत्ता में थी, बिना करुणानिधि जयललिता के चुनाव हुआ, डीएमके की वापसी हो रही है पुडुचेरी में बीजेपी, और केरल की बात करें तो वहां पर एलडीएफ। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।